क्या हुआ सर, क्या हुआ? हम जामा मस्जिद गए अभी, उससे आगे हमको पुलिस जाने नहीं दी। जो आज जो तुर्कमान गेट 2022 हुआ, जो सरासर जुल्म है, विजिलेंटी जस्टिस के मिसाल है जी। और बगैर नोटिस दिए इन लोगों को तोड़ना बीजेपी का और आप सरकार का संघर्ष करता हूं, और सुप्रीम कोर्ट का टाइमली स्टेटस को है, वरना तो बर्बाद हो गया। अभी तो कितने दुकानों को तोड़ दिया आपने। सवाल ये पैदा होता है कि 6-7 साल से आपकी सरकार है, जब तक आपने क्यों नहीं तोड़ा, नोटिस क्यों नहीं दिया? और आपने जहां तक मुझे मालूम है 26/11/2021 को अमित शाह ने डिक्लेयर किया कि 85,000 सम ड्यूरोस रेगुलाइज किया हमने अनऑथराइज को। तो इन लोगों क्या है, आप अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलाइज कर दिया, अगर ये हैं तो इनको भी रेगुलाइज करिए ना। ये कौन सी बात है कि निकाल कर फेंक देना इनको, गलत है। हाँ आगे मना कर दिया। अभी तो माँ देखने, कल फिर देखेंगे क्या कर रहा है। ओवैसी साहब अब तक की इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से देख रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन क्या है, अगर पुलिस ने खुद कहा है कि परमिशन नहीं दिया यात्रा के लिए, तो यात्रा कैसे निकली, हथियार कैसे उनके हाथ में था? अगर आप उनको वहीं रोक देते, वहीं हथियार सीज कर लेते, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। मगर सरकार चाहती थी, और अफसोस की बात यह है कि आप पार्टी, सुनिए, आप पार्टी इन तमाम लोगों को कह रही, रोहिंग्या बांग्लादेशी, अरविंद केजरीवाल के घर पे हमला हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, तो बड़ा आसमान सर पे उठा लिया। सिसोदिया ने एक लड़के का कत्ल हुआ, मर्डर हुआ, तो उसको जेएसआर नारा का वादा दे दिया। आपने वादा किया था रिलाइज करने का, तो आज वो खुद इन लोगों को कह रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है, मैं इसका कंडेम करता हूँ, ये गलत है। ये भारत की लोकतंत्र के लिए रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। ये विजिलेंटी जस्टिस कर रही है बीजेपी सरकार का। कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी के नेताओं ने लेटर लिखा, मेयर ने कहा कि अपराधी है, इनका घर तोड़ देंगे, घर तोड़ दिया आपने, उनका कारोबार तोड़ा। लोग परेशान है, लोग परेशान है, लोग ने उनका रोजी छीन लिया आपने, रोटी छीन ली उनके हाथ से आपने, गलत हुआ ये।